2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति हलचल तेज हो गई है। बिहार में गठबंधन के सरकार बनने के बाद अब बिहार में केंद्रीय राजनीति पर बहस तेज हो गई है। दक्षिण भारत के कद्दावर नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज पटना आ रहे हैं। केसीआर की यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ मुलाकात होगी। केसीआर के आगमन को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं में उत्साह है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एक मंच पर दिखेंगे। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी एकता और मजबूत होगी और 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। वहीं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी लालू प्रसाद की तरह परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनका जनाधार खिसक रहा है और नीतीश कुमार से उनका मिलना विपक्षी एकता की कॉमेडी शो का ताजा एपिसोड होगा। कोई स्टैंड टीवी के माध्यम से स्पष्ट कर पाना भी उचित नहीं होगा। जो प्रावधान है सीबीआई का गठन जिस हिसाब से हुआ था दिल्ली पुलिस एक्ट के हिसाब से, और जो प्रावधान है उन पर विचार विमर्श के बाद चीजें हो सकती है। और ये तो देश की जनता समझ रही है, देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है इंटेंशनली विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए। चीजें उजागर हो चुकी है। तो जो अपनी बेटी को नहीं जिता पाए, जिसे लालू यादव मीसा भारती को नहीं जिता पाए थे, तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने का की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर अब सफल नहीं होंगे, अब चाहे नीतीश कुमार हों, केसीआर हों, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, कोई मिल जाए, ये कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनका तो ये हाल है कि जब अभी एक्साइज मामले में जब सीबीआई की रेड हुई तो कांग्रेस ने उस रेड का स्वागत किया, और जब सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जब लोकसभा में और संसद में विरोध हो रहा था तो आम आदमी पार्टी और टीएमसी के लोग चुप्पी साधे हुए थे, उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये विपक्षी एकता मेढकों को तराजू पर तोलने के समान है, इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। तो जाँच एजेंसियों को जाँच करने से कोई नहीं रोक रहा, न कोई आपत्ति है, लेकिन सवाल उठता है कि जांच एजेंसियां अगर इस तरह से काम करेंगी तो लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। जो सिस्टम है, सिस्टम में अगर जब चाहें तब आप किसी के विपक्षी पार्टियों के घर में घुसकर, उसका एक नियम है, कानून का राज है, कानून के तहत ही, लोकतंत्र संविधान के तहत ही सारा चीज होगा। पॉलिसी बन रही है क्या इस तरह की? ये तो सरकार में हमने तो कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बुधवार को पटना पहुंचेंगे, और आइए एक नजर डालते हैं कि उनके पूरे दौरे के बारे में। बुधवार के दिन 12:15 पर पटना एयरपोर्ट पर चार्टर्ड फ्लाइट से उनका आगमन होगा। 12:25 पर पटना एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। 12:45 पर मुख्यमंत्री के ऑफिस संवाद में आगमन और तेलंगाना में अग्निकांड में मरे लोगों के परिजन और आर्थिक सहायता का वितरण किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री आवास में लंच करेंगे। 3 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास में स्थित ऑफिस में बैठक होगी, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक के बाद वो 5 बजे मुख्यमंत्री आवास से पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के ऑफिशियल कार्यक्रम के रिलीज में लालू प्रसाद यादव से मिलने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से किसी वक्त भी उनके आवास में जाकर मुलाकात करेंगे। फिलहाल समय का निर्धारण नहीं किया गया। तो आज केसीआर जो तेलंगाना के सीएम है वो पहुंच रहे हैं, और आज विपक्षी एकजुटता की यह कवायद और पूरी जो शेड्यूल है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर भी कि कितने बजे पहुंचेंगे, कब कब मुलाकात किन नेताओं से होनी है। लेकिन साहिर से बात है कि अब बिहार की जो राजनीति है वो 2024 के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, और आज इनके आगमन को लेकर के तैयारियां भी जोरों पर। हालांकि विपक्ष का तंज भी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यह ताजा राजनीतिक कॉमेडी शो है। और गौतम हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। गौतम, केसीआर तेलंगाना के सीएम पहुंच रहे हैं, और खास करके 2024 को लेकर के जो विपक्षी एकजुटता है उसको दिखाने की और उसको लिए जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है, और क्या आगमन का शेड्यूल है, क्या जानकारी आपके पास? और
देखिए जो है विभागीय बैठक है, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव यानी राजद सुप्रीमो से उनकी मुलाकात होनी है। देखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो बिहार आ रहे हैं, एक ये भी बात है कि कुछ विभागीय कार्य है जो बिहार के कुछ मजदूर जो तेलंगाना में जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को जो है वो मुआवजा राशि देंगे, साथ ही साथ कुछ सैनिक के परिजनों को भी जो है वो मुआवजा राशि देंगे। उसके बाद जो है जो व्यक्तिगत मुलाकात या निजी मुलाकात होगी उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री से जो है वो मुलाकात होगी, मगर उसके बाद जो है जो कहा जा सकता है कि जो बात विशेष होगी उसमें ये बात मानी जा रही है बिहार में कि 24 के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 में जो एक चेहरा तय किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आखिर कौन चेहरा होगा जिस चेहरे के ऊपर चुनाव में एनडीए के खिलाफ भी यूपीए जाएगी, तो ये तय करने के लिए जो है अब बैठकों का दौर जो है ये माना जा रहा है कि इस बैठक से ही शुरुआत हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, जदयू भी जो है अब इस बात को जो ये स्वीकारते हुए कई सभाओं में अपने कार्यक्रम में जो है जदयू कोटे के मंत्री ये बात कह रहे हैं कि बिहार का लाल जो है अब लाल किला पर जाकर तिरंगा फहराएगा, यानी प्रधानमंत्री की जो 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 चेहरे की बात यूपीए की अगर बात कर ली जाए तो चेहरे बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी ये बात कह रही है कि दर्जनों चेहरे हैं बीजेपी में, आखिर कौन चेहरा होगा ये तय कर पाना मुश्किल है क्योंकि राहुल गांधी हैं और अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, इधर नीतीश कुमार है, ये तमाम लोग जो है महत्वाकांक्षी हैं अपने इच्छा को लेकर जो है चुनाव में जाने के बाद जो है प्रधानमंत्री के पद के लिए जो है अपने आप को सुटेबल बता रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के साथ जो जो उनके जो नेता हैं वो तमाम लोग अपने नेता को ही जो है इसके योग्य उम्मीदवार बता रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा ये बीजेपी इस पे तंज कस रही है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका ये कहना है कि चार लोग अगर बैठकर कहीं पे कोई प्लान कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा तो उससे मैंडेट नहीं मिल जाता, जनता जो है वो मैंडेट नहीं देने जा रही। बिल्कुल गौतम, तो बिहार राज्य के बाहर जो बाकी और प्रधानमंत्री पद को लेकर के जो दावेदारी या फिर जो चर्चाएं हो रही कि अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, खुद राहुल गांधी है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तो ये चीज जरूर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के बात हो रही है नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो समर्थन या फिर उस चेहरे पर जो कह सकते हैं कि हामी है वो आरजेडी भी भर रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार में तो कह सकते हैं कि एक समन्वय जो है वो बन रहा है और केसीआर भी इस बीच आ रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन जरूर अब से बनना शुरू हो चुका है, जदयू भी जो ये पहले बात कह रही थी, हालांकि इस पर जो है जदयू के मंत्रियों का जो बयान आ रहा है जो सामने आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी योग्य बता रहे हैं कि वो बिहार के लाल हैं, और सरवण कुमार का भी जो ताजा जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि लाल किला पर बिहार के लाल जाकर अगर तिरंगा फहराएंगे तो वो बहुत ही योग्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ये बात लगातार कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है 45 विधायकों के साथ जो है वो सरकार में आए थे, 45 विधायकों के साथ क्या वो देश में जो है वो सरकार बनाने के योग्य होंगे, उनका चेहरा एक्सेप्टेबल होगा सभी लोगों को, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो है कांग्रेस के नेताओं में जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वहीं अरविंद केजरीवाल जो लगातार दिल्ली से निकल कर दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और वहाँ पर सरकार बना रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल, वहीं बंगाल की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का लहर है जो बातें होती है और उसके बाद बंगाल में बीजेपी को बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी जो है हार का सामना करना पड़ा, तो ये तमाम जो ऐसे बड़े चेहरे हैं उसमें नीतीश कुमार के चेहरा को जो एक्सेप्ट करने की जो बात हो रही है उस पर जो है अभी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई खुला स्टैंड अगर कहा जाए तो सामने नहीं है, क्योंकि आरजेडी जो ये चेहरा बता रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री के ये उसके तरफ से है, मगर बड़ी पार्टियों की अगर बात करें दूसरे राज्यों की पार्टी की बात करें जाए कांग्रेस ने भी अभी हाल में जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पटना में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उनसे जब ये सवाल हुआ कि 24 के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है तो उन्होंने बात को काटने जैसी बात कही कि अभी हम पहले जनता को जो है अपने तरफ ये करेंगे मोड़ना है, पहले हमें उन्हें कन्वे करना है और उसके बाद चेहरा होगा, यानी चेहरे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा 24 में नीतीश कुमार होंगे या कोई और होगा, इस पर कोई अभी बात क्लियर नहीं है और बीजेपी इसी चीज को लेकर लगातार कह रही है कि हमारे पास चेहरा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उसमें कोई जो है दो राय नहीं है और उस चेहरे को लेकर जो है जनता पहले से विश्वास कर चुकी है, आने वाले समय में विश्वास करेगी और 24 में नो वैकेंसी का वोट जो है प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए लगा है, भले ही कुछ लोग जो आपस में बैठ कर कुछ बातें कर लें, कुछ चुनाव को लेकर जो रणनीतियां तय कर लें और चार लोग अगर कमरे में बैठ कर अगर अपने आप को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बताकर खुद मैंडेट की अगर बात सोच रहे हैं तो वो मैंडेट
जनता को देना होता है, चार लोग के बैठने से ये मैंडेट नहीं मिल जाएगा। तो बीजेपी काफी इस चीज को लेकर जो है बिल्कुल, तो बीजेपी इस बात को रख रही है कि चार लोगों के बैठ जाने से प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो तय नहीं हो जाएगा। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो आरजेडी लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को देख रही है। क्या अंदर खाने से ये भी चर्चा है या फिर संभावना है या फिर मंशा जो है आरजेडी की नजर आती है कि जो दिल्ली की सियासत है वो नीतीश कुमार करे, बिहार की सियासत तेजस्वी करे? देखिए, तेजस्वी ने जो साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार हैं, उन्हें ये देखना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने जो बिहार में जो सरकार गिरी, एनडीए की सरकार गिरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को अगर ले लिया जाए, तेजस्वी प्रसाद के बातों को ले लिया जाए, तो बहुत ऐसे बात हैं जिसमें जो ये बात सामने आई कि अंतर विरोध बहुत ज़्यादा था पहले, पक्ष और विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से जदयू और आरजेडी थी बहुत ज़्यादा बात होती थी, मगर जो जो ये मिलान हुआ उसमें ये कहा गया कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए जो कहा जा सकता है कि ये कोशिश की गई, और एक मंच पर और भी जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष है देश में, वो अपने निजी हित को छोड़कर यानी त्याग कर जो है वो इस चीज़ को समझौता करे। समाजवादी पार्टियों का जो है ये समझौता जाकर एक साथ होने के बाद ही जो है ये विकल्प जो है वो तैयार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र के सत्ता से हटाया जाए, बीजेपी को बाहर किया जाए। लगातार ये बातें हो रही है। देखिए, 4 सितंबर को है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, रामलीला मैदान में। ये पूरा जो प्रोटेस्ट है जीएसटी के विषय पर है, महंगाई जो बढ़ी हुई है उस पर है, युवाओं को जो रोजगार से जो वंचित रखा गया है, उन तमाम चीज़ों को लेके ये 4 तारीख को, और ये कोशिश विपक्ष की शुरू हो चुकी है कि 24 का इलेक्शन है और समय जो है वो भले ही 21 और 22 का जो समय चल रहा है वो भले ही ये समय बीत रहा है, मगर ये बात जरूर है कि पहले से तैयारी अगर करेंगे, जनता का मूड अगर पहले से टर्न नहीं होगा और जो समय है, जो विपक्ष के पास अभी समय है वो समय का वो उपयोग नहीं कर पाएंगे जनता को कन्वे करने में, तो समय काफी कम बच जाएगा। और जो 14 के बाद से जो स्थितियां जो नहीं बदल रही है, कांग्रेस हो या जो तमाम विपक्षी दल, वो चाह रहे हैं कि वो स्थितियों को बदलने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिले, जनता के बीच में जाने का समय मिले, और इसीलिए लगातार ये कोशिशें हो रहे हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हो, तो उसी में जो है एक ये भी कोशिश है कि अब चेहरे की जो एक जो जो कोशिश होती है खोजने की या अंतिम समय में इसकी घोषणा होती है वो ना हो, माहौल पहले से तैयार करके रखा जाए, हाँ जनता में एक्सेप्टेबल होगा इस चीज़ को लेकर, तो वो जो है वो जो विषय जो है जो वो काम आएगा, उसके बाद जो कहा जा सकता है कि जो 24 की जो रणनीति होगी उसमें अब जो दल जो मिलेंगे, आरजेडी ये चाह रही है कि सभी जो जो कहा जा सकता है जो दल हैं अपनी जो उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वो सब एक मंच पे आए। नीतीश कुमार को चेहरा भले ही आरजेडी बना रही है, मगर जो अन्य दल हैं उनके तरफ से जो कहा जा सकता है अभी तक कोई क्लियर स्टैंड अभी तक नहीं आया है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। हालांकि इस बिल्कुल तो हमें बिहार से तो जरूर मिल रही है नीतीश कुमार को, लेकिन बाकी राज्यों का भी देखना होगा किस तरीके से समन्वय जो है वो बिठा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए गौतम आपका। तो आज केसीआर पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, और संभावना है कि लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात होगी। हालांकि जो रिलीज है उसमें जो शेड्यूल है वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का नहीं, लेकिन संभावनाएं जो है